भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीर दास के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कबीर दास जी के माता पिता के बारे में एक राय नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसके बाद उस ब्राह्मणी ने उस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा ताल के पास फेंकाई थी, जिसके बाद पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया। बाद में इस बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया। अर्थात कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बन बन फिरो उदासी। वही अगर कबीर पंथियों की माने तो कबीर दास काशी में लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि कबीर दास जी निरक्षर थे और पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज सके, इसलिए कबीर दास जी किताबी विद्या ग्रहण नहीं किए सके। मसी कागज छुओ नहीं आ कलम गहो नहीं हाथ। आपको बता दें कि कबीर दास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे, वे उपदेशों को दोहे मुँह से बोलते थे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उसे लिख दिया। कबीर दास के धर्म को के लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे, वही जब वे स्वामी रामानंद के प्रभाव में आए तब उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था, उसके बाद उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया। दरअसल एक बार कबीर दास पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े, उसी समय स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर जाकर कबीर दास जी के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद कबीर दास के मुंह से राम राम शब्द निकला। फिर क्या था, उसी राम को कबीर दास ने अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद कबीर दास ने कहा कि हम काशी में प्रकट भए हैं रामानंद चेताए। कबीर दास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वे सभी धर्मों की अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों के साथ सत्संग किया और दोनों धर्म से अच्छे विचारों को ग्रहण कर लिया। कबीर दास जी का विवाह बनखैरी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान सुख मिला। कबीर दास जी के बेटे का नाम कमाल था, जबकि बेटे का नाम कमाली था। वही इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीर दास अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था, जिससे घर घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वही उनके ग्रंथ साहेब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है कि उनका पुत्र जो था कमाल, वो कबीर मत के विरोधी था। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, आ हरि की सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। जबकि कबीर जी की पुत्री कमाली का वर्णन कबीर जी ने कहीं नहीं किया है। कबीर जी के घर में संत मुनियों के लगातार आने जाने, उनके उनके बच्चों को खाना मिलना तक मुश्किल हो गया था। इस वजह से कबीर की पत्नी गुस्सा भी करती थी, जिसके बाद कबीर अपने पत्नी को ऐसे समझाते हैं, सुनी अंधली लोई बम्पीर इन मुरियन भजी शरण कबीर। आपको बता दे कि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और बिरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामत्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का इस्तेमाल कबीर जी ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वही एक जगह लोई को पुकार कर कबीर ने कहा, कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। वही यह भी माना जाता है कि लोई कबीर जी की पहली पत्नी होगी, इसके बाद कबीर जी ने इन्हें शिष्या बना लिया हो। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार,
तब जानी तब परिहरी नारी महा विकार। कबीर दास जी कई भाषाओं का ज्ञान था कबीर दास जी के पास। वे साधु संतों के साथ कई जगह भ्रमण पर जाते रहते थे, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था। उसके साथ ही कबीर दास अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते थे और उपदेश देते थे। इसके साथ ही वे जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों के लोगों के अंतर मन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। कबीर की के वाणी को साखी, शबद और रामायणी तीनों रूप में लिखा गया है, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं का संग्रह देखने को मिलता है। कबीर ने गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर बताया है। कबीर दास ने एक जगह पर गुरु को कुम्हार का उदाहरण देते हुए समझाया है कि जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को पीट पीट कर सुधर पात्र में बदल देता है। कबीर दास हमेशा सत्य बोलने वाले निडर और निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने से नहीं बिल्कुल भी नहीं चकते थे। कबीर दास की एक खासियत थी, वे निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी मानते थे। कबीर दास को सज्जनों, साधु संतों की संगति अच्छी लगती थी। कबीर दास जी का कहना था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वे अपने उपदेशों से समाज में बदलाव करना चाहते थे और समस्त मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। कर्मकांड के विरोधी थे कबीर दास। कबीर दास जी को झूठा दिखावा, कर्मकांड और पाखंड के घोर विरोधी थे। उन्हें मौलवियों और पंडितों के कर्मकांड पसंद नहीं थे। और तो कबीर दास अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मंदिर, मस्जिद को नहीं मानते थे। कबीर दास को मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना या रोजा उपवास रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कबीर दास को सादगी में रहना अच्छा लगता था। वे हमेशा सादा भोजन करना पसंद करते थे। उन्हें किसी तरह की बनावट अच्छी नहीं लगती थी। अपने आसपास के समाज को वो आडंबर मुक्त बनाना चाहते थे। कबीर की वाणी की संग्रह बीजक नाम से मशहूर है। इसके भी तीन हिस्से हैं, रामायणी, शबद और सारवी। वह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधि, पूर्वी, ब्रज भाषा समेत कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर दास जी का मानना था इंसान के सबसे पास उसके माता पिता, दोस्त और मित्र रहते हैं, इसलिए वे परमात्मा को भी इसी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि हरिमऊ पीऊ मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरिजननी मैं बालक तोरा। कबीर दास जी के मृत्यु के बारे में, अपना पूरा जीवन कबीर दास काशी में ही गुजारा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही कबीर को जब अपने आखिरी समय का अंदेशा हो गया था, तब वे लोगों को इस धारणा को तोड़ने वे मगहर चले गए। ये भी कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वो चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए, लेकिन कबीर तो काशी मरण से नहीं राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। जौ काशी तन तजय के वीरा, तो राम के कौन निहोरा। कबीर दास जी एक महान कवि और महान समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने साहित्य से लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसके साथ ही समाज में फैली कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। कबीर दास जी सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार गुणों के प्रशंसक थे। कबीर दास जी जैसे कवियों का भारत में जन्म लेना गौरव की बात है।